भैया जी आपको प्रणाम। मुझे लिकोरिया की समस्या हो गई थी, श्वेत प्रदर, जो मैं बहुत परेशान थी। गोविंद भैया जी आपने मुझे बताया था दवाई प्रदर नाशक चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम पानी से, 1 हफ्ते में आराम हो गया। गोविंद भैया आपको प्रणाम करती हूँ। भोलेनाथ आपकी अब भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग आशीर्वाद अनुभव से कर रहा हूं। उस कार्य को करते हुए अभी आपने एक अनुभव सुना, एक बहन का जिन्हें सफेद पानी की शिकायत थी और उन्होंने आयुर्वेद की शास्त्रोक्त विधि से बनी हुई प्रदर नाशक चूर्ण का सेवन किया और उनकी समस्या सफेद पानी की नष्ट हुई। तो माताएं बहन बेटियों के लिए एक सहेली से कम नहीं, और इस प्रदर नाशक चूर्ण कहाँ कहाँ लाभ पहुंचाता है, ये एक पुस्तक है आयुर्वेद चिकित्सा सागर। इस पुस्तक के पेज नंबर 553 पे प्रदर नाशक चूर्ण के बारे में लिखा हुआ है। गुण और उपयोग, यह चूर्ण सौम्य गुण युक्त और उत्तम ग्राही है। इस चूर्ण के सेवन करने से समस्त प्रकार के प्रदर रोग, समस्त प्रकार के, चाहे वो श्वेत प्रदर रोग हो या रक्त प्रदर रोग हो, शीघ्र नष्ट होते हैं। विशेषकर रक्त प्रदर में इसके सेवन से रोगिणी को शीघ्र ही लाभ होता है। इसके अतिरिक्त योनि शूल, रक्तातिसार, रक्तार्स, कृमि रोग एवं अवमिश्रित रक्तातिसार रोग शीघ्र नष्ट होता है तथा गर्भाशय पुष्ट होकर गर्भ धारण करने के योग्य हो जाता है। अगर कोई ऐसी माँ बहन बेटियां जिन्हें गर्भाशय की कमजोरी के कारण गर्भधारण नहीं हो रहा हो तो गर्भाशय मजबूत हो जाते हैं। आव मिश्रित रक्तासार मतलब दस्त जिसमें रक्त भी आ रहा है और आव भी आ रहा है, उसमें पेट में कृमि रोग है, उनमें रक्तासार मतलब खूनी बवासीर, रक्तातिसार मतलब खूनी दस्त, योनि शूल इसमें, और सभी प्रकार के प्रदर, चाहे वो रक्त प्रदर हो या श्वेत प्रदर हो, इसमें प्रदर नाशक चूर्ण एक सहेली की भांति माँ बहन बेटियों की मदद करती है और उनकी रक्षा करती है। इसके सेवन के लिए वयस्क जो हैं उनके लिए लगभग आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक शहद के साथ मिलाकर चाट कर ऊपर से चावल के धोबन का पानी पीना है। चावल का धोबन का पानी यानी 1 मुट्ठी चावल 1 कप पानी में धो दें, या जो चावल हमारा बनता है, चावल बनाने से पहले जो चावल को हम धोते हैं उस पानी से, अगर आप लोग चावल नहीं बन रहा है और ये दवा लेनी है तो 1 मुट्ठी चावल 1.5 कप पानी में डाल दें, फिर उसको अच्छे से मसल के और उस पानी से प्रदर नाशक चूर्ण का सेवन करें। इसके सेवन से जो समस्याएं अभी हमने बताई माँ बहन बेटियों के लिए एक सहेली से कम नहीं है, और ये शास्त्रोक्त विधि से बनने वाली औषधि है। आप सभी के अनमोल सहयोग के लिए जो अनुभव शेयर करते हैं उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।